तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएम किसान का जो 15वां किस्त है वो अभी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, एंड एक लिस्ट भी आया है, बेनिफिशियरी लिस्ट भी आया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग कैसे बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट के बाद अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंस्टॉलमेंट चेक करना है कि आया कि नहीं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे मैं दे दूंगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं पूरे अपने एरिया का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि आपको गूगल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है बेनिफिशियरी लिस्ट 15/11/2023 और 6/49 का दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे सर्च करना है और पहले वाला जो वेबसाइट है इस पर कर देना है टैग। पहले वाले वेबसाइट पे टैग करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है, आपको जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जैसे मेरा है महाराजगंज, तो मैं महाराजगंज अपना सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर महाराजगंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद से जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट मतलब एरिया जो भी हो वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन है, ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक हो। तो मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, तो यहाँ पर ब्लॉक। उसके बाद से विलेज है, विलेज आपको सिलेक्ट करना है, जो जिस भी विलेज से आप लोग हैं वो विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं विलेज सिलेक्ट करता हूँ। गेट रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन है, गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है टैप हमें। गेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा थोड़ा सा। प्रोसेसिंग होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डाटा आ चुका है, किसके किसके नाम से भी न्यू लिस्ट है, बिल्कुल न्यू है। इसमें पुराने लोगों का भी नाम होगा, नए लोगों का, जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था उनका भी नाम इसमें होगा। तो इस तरीके से आप लोग बेनिफिशियरी लिस्ट पीएम किसान का देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।